दोस्तों, क्या आपने कभी त्रिपुरा के ट्रिप प्लान की है? जी हाँ, उत्तर पूर्व भारत के सेवन सिस्टर्स में से एक, इस राज्य के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। पूर्वोत्तर के एक छोर पर बसा बहुत ही शांत राज्य है त्रिपुरा, जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। माना जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर ही इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा और इसलिए ये देवभूमि है। आज हम आपके साथ इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण राज्य के बारे में कुछ मजेदार बातें शेयर करने जा रहे हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से इस क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी के बाद अगरतला सबसे महत्वपूर्ण शहर है। पर्यटन की दृष्टि से ये एक ऐसा शहर है जहां मनोरंजन के तमाम साधन हैं, एडवेंचर के ढेरों विकल्प हैं और सांस्कृतिक रूप से भी ये बेहद समृद्ध है। त्रिपुरा देश के सीमाई राज्यों में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है। यहाँ करीब 865 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और तीन तरफ से इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा प्रकृति की बहुत ही सुंदर रचना है। ये चारों ओर से पहाड़ियों, घाटियों, हरी भरी वादियों और पहाड़ी नदियों से घिरा है। इस छोटे से राज्य में देखने के लिए कई जगह मौजूद हैं। इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों में अगरतला, उदयपुर, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, नील महल, जम्पुई हिल, सिफाजाला, पिलक, मिलाघर आदि शामिल हैं। यहाँ पर स्थित उज्जैन महल पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगर आप भी किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्रदूषण रहित वातावरण हो और अनजान रास्तों पर आप खूब मस्ती कर सकें, तो आपको त्रिपुरा और इसकी खूबसूरत जगहों पर जरूर जाना चाहिए। त्रिपुरा की संस्कृति काफी समृद्ध है। इस राज्य में करीब 19 जनजातियां हैं और आज भी अधिकतर जनजातियां जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। त्रिपुरा में हिंदुओं की संख्या लगभग 84% है। बंगाली हिंदू लोग यहाँ अधिक संख्या में रहते हैं और त्रिपुरा की संस्कृति पर बंगाली हिंदू लोगों का ज्यादातर प्रभाव देखने को मिलता है। इस राज्य में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और क्रिश्चियन सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। संगीत और नृत्य त्रिपुरा की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। दुर्गा पूजा यहाँ का मुख्य त्यौहार है। त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। मुख्य फसल चावल है और पूरे राज्य में इसकी खेती होती है। राज्य की 80% से अधिक आबादी गाँव में रहती है और यहाँ के परंपरागत उद्योग गाँव आधारित है। जनजातीय बहुलता वाले त्रिपुरा की सबसे बड़ी खासियत यहाँ के जंगल है, जिनमें बांस और बेत की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसी कारण यहाँ हस्तशिल्प की कला तो जैसे लोगों के रगों में है और हस्तशिल्प का यहाँ पर काफी महत्व है। त्रिपुरा के कारीगरों द्वारा बांस और बेत के बनाए गए फर्नीचर तो पूरे देश में लोकप्रिय हैं। यहाँ के रंग बिरंगे बाजारों में हस्तशिल्प की अलग अलग दुकानें सजी होती हैं, जहाँ घूमना और खरीदारी करना दोनों ही शानदार अनुभव है। त्रिपुरा के हर समाज के लोग अपने परिसर को साफ सुथरा रखने में काफी सावधानी बरतते हैं और पर्यावरण पर विशेष ध्यान देते हैं। त्रिपुरा की साक्षरता दर करीब 94.65% है। आपको बता दें कि यह संख्या भारत में सबसे अधिक है, जो वाकई इस राज्य के लिए एक कमाल की बात है। त्रिपुरा के स्थानीय लोग अधिकतर कोक बुरोक भाषा बोलते हैं। इसके अलावा बंगाली भाषा का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। दोस्तों, क्या आप कभी त्रिपुरा घूमने गए हो? मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।